गोवा विधानसभा चुनाव की 40 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान हुआ था। ऐसे में सभी को आज का इंतजार था। आज ही राज्य के चुनावी नतीजे कुछ ही देर में सामने होंगे। उससे पहले सभी चैनलों ने अपना अपना एग्जिट पोल दिखाया, जिसके जरिए कुछ हद तक नतीजों के बारे में जाना जा सकता है। एग्जिट पोल के रुझान भी सामने आए हैं, जो बताते हैं कि गोवा में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन इस बार गोवा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। गोवा विधानसभा चुनाव में जो इस बार प्रमुख मुद्दे रहे, जिससे चुनाव के परिणाम पर असर पड़ेगा, वो हैं खनन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, नशा और जुए का मुद्दा, कोंकणी भाषा का मुद्दा, संस्कृति का, राग का मुद्दा। वहीं दूसरी ओर बात करें तो गोवा विधानसभा चुनाव में कुछ प्रमुख नेताओं की किस्मत भी दांव पर लगी है, जिसमें शामिल हैं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टी से, दिगंबर कामत कांग्रेस से, पूर्व मुख्यमंत्री चर्चित एलमाव टीएमसी से, रवि नायक बीजेपी से, पूर्व डिप्टी सीएम विजय सरदेसाई जेएफपी से, सुदीन धवलीकर एमजेपी से और आपसे अमित पालेकर। इन सभी दिग्गज नेताओं की किस्मत का आज फैसला होने वाला है। गोवा विधानसभा चुनाव में हमारे एग्जिट पोल GK247 न्यूज की बात करें तो कांग्रेस को 15 से 20 सीटें मिलती नजर आती हैं, बीजेपी को 14 से 18, आपको 1 से 5 और अन्य को 0 से 2। अब देखना होगा कि गोवा में आज नतीजे क्या कुछ रहने वाले हैं, जनता ने किसको और किस मुद्दे पर मतदान दिया है और कौन सी पार्टी गोवा में सरकार बनाती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।